गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन की एक ऐसी रेसिपी जो आपने पहले कभी नहीं बनाई है और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने ले लिया है कुकर और उसके अंदर मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। सरसों का तेल अच्छे से गर्म होते ही इसके अंदर हम डाल देंगे आधी चम्मच जीरा और दो मोटी इलायची और एक छोटी इलायची डाल देंगे और उसी के साथ डाल देंगे दालचीनी। और यहाँ पे मैंने ले लिया है गोल मिर्च और ले लिया है एक तेज़पत्ता ले लिया है तेज़पत। ये सब मैंने डाल दिया इसके अंदर और ये हो गया अच्छे से गरम। और इसी के साथ ही मैं डाल दूँगी ये चार बड़े प्याज हैं, इसको मैंने चॉप कर लिया था, इसको भी मैंने डाल दिया कुकर के अंदर। अब इसको अच्छे से मिला देते हैं और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी मैं डाल देती हूँ एक चम्मच भर के इसके अंदर। और करते हैं इसको मिक्स। और ये है चार टमाटर, उसको भी मैंने काट के इसके अंदर डाल दिया और इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। अब इसके अंदर आधी कटोरी पानी डालेंगे और इसको अब बंद करके दो सीटी दिलवाएंगे। तो फ्रेंड, दो सीटी आ गई है तो इसके बाद अब हम खोल के देखेंगे, चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, खोलने के बाद हमारे प्याज और टमाटर सिर्फ गले हैं। और अब हम इसको फिर से गैस को ऑन करते हैं। और ये हाफ के जी चिकन है, मैंने अच्छे से धो के रख लिया था, इसको इसके अंदर डाल देंगे। और आप इस जितना जो पानी है ना प्याज में, जो भी पानी है, और ये चिकन को इसके साथ अच्छे से भून लेंगे फुल आंच के ऊपर। और तब तक इसको भूनना जब तक कि इसका तेल ना सेपरेट हो जाए। तो अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पानी सूख रहा है और ये चिकन का देखिए, इसका भी कलर बदल चेंज होता जा रहा है। तो अभी अभी ये पूरा पानी सूख जाएगा तो इसके बाद हम इसके अंदर मसाले मिक्स करेंगे। तो मैं अभी ये दिखा देती हूँ, जब तक मैं मसालों की तैयारी करती हूँ ये पानी सूख रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं थोड़ा सा गर्म मसाला डालूँगी आधी चम्मच और इसको फिर से मैं मिला लेती हूँ अच्छे से। तो फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छे से मैंने भूना है और इसका कलर देखिए कितना ही अच्छा लाल हो गया है। तो अब ना इसके अंदर थोड़े से मसाले डाल देती हूँ। तो मसालों में जाएगा नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये है लाल मिर्ची का पाउडर, यहाँ पे डालूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब मैं एक बार इसको अच्छे से फिर से मिक्स कर देती हूँ। और इसके अंदर डालूंगी आधी कटोरी पानी। और एक बार फिर से मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी 5 मिनट के लिए। मैं इसको अच्छे से फूल आंच पे फिर से भून लेती हूँ। फ्रेंड्स, इतनी जल्दी ये चिकन बनके रेडी हो जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। इस तरह भी आप बना के खाइएगा और आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड, अब इसको क्या करेंगे, इसको जैसे ही थोड़ा सा तेल सेपरेट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर फिर से आधी कटोरी पानी डालेंगे। पानी आप कम ज़्यादा कर सकते हो
और इसके अंदर फिर से एक सीटी दिलवा देंगे। तो एक सीटी आने के बाद मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड, पूरी तरह से तेल एकदम छूट गया है। यहाँ थोड़ा सा स्टीम आ रही है तो आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा। और ये देखिए फ्रेंड, तेल छूट गया है, यानी कि इसकी बुनाई अच्छे से हो गई है। तो इसके अंदर अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। हमको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी डाल लीजिए। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा ही पानी डालूंगी और इसको एक सीटी दिलवाती हूँ। और एक सीटी दिलवाने के बाद दिखाती हूँ मैं आपको इसका लुक। सच में फ्रेंड, ये बहुत ही बढ़िया बनता है। इस तरह से आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कितना ही आसानी से मैंने इसको बना दिया। 2-3 सीटी के अंदर ही मैंने सारा मसाला गला दिया। उसके बाद चिकन डाल के उसके अंदर भून दिया और भूनने के साथ ही मैंने सारे मसाले डाले और फिर से तेल छुड़ा के एक सीटी दिलवा दिया। और अब इसको मैं दिखाती हूँ, किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं बना है। फाइनली फ्रेंड्स, एक सीटी के बाद मैं इसको खोल देती हूँ। और ये देखिए कुछ इस तरह से आपको जो दिख रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स, बनके हो गया है हमारा चिकन रेडी। और मैं एक बार इसको करती हूँ एक प्लेट के अंदर शिफ्ट। देखिए फ्रेंड, इतनी सिल्की ग्रेवी कुकर के अंदर बनी है। तो मैं चलो इसको शिफ्ट करती हूँ। फ्रेंड्स देखिए कितना ही बढ़िया बन के तैयार हुआ है। तो अगर इस तरह की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ कल एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।